अंग्रेजी सिखा दी एक साल के अंदर, इतनी बढ़िया। तो वो अंग्रेजी का जो वो है वो गांवों से धीरे धीरे हटना चालू हो जाएगा। प्रश्न क्या है आपका, मूल प्रश्न? प्रश्न ये है कि जो हमारा गुरुकुल का सिलेबस है उसमें हमें ये भी ऐसा कुछ इंग्लिश रखना चाहिए। मतलब इनका ये है कि सर का कहना ये है समय के बाद एक समय, मतलब अपन जैसे अभी क्या है कि भूत लगा हुआ है बड़े स्कूलों का, इनका कहना है कि अगर गांव में ही मैं अंग्रेजी सिखा दूं या उनका भूत खत्म कर दूं तो वो जो बच्चे पलायन कर रहे हैं वो बच्चे वही यही रुक जाएंगे, मतलब गांव में रुक जाएंगे, खर्च भी बच जाएगा। और आपका गुरुकुल का क्या हेल्प होगा, जैसे अंग्रेजी आप चाहते हैं गुरुकुल की क्या हेल्प चाहिए? गुरुकुल ही है, गुरुकुल गुरुकुल में भी चाहिए। आज ऐसा नहीं है, पहले आप ये चाहते हैं कि एक एक सिलेबस उसका बने अंग्रेजी का भी, हाँ, जो गुरुकुल में हो। हाँ, लेकिन उसको भाषा के स्तर पे समझे खाली अपना, और उसमें ये क्लियर कर दें कि भाई अंग्रेजी सीखने के बाद आपको नौकरी मिलेगी वो हमारी गारंटी नहीं है, आपको कैंसर बीमारियां नहीं होंगी वो हमारी गारंटी नहीं है। मतलब अंग्रेजी उनके दिमाग में जो एक चीज है ना कि अंग्रेजी सीखेंगे तो नौकरी मिलेगी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट में लिखता है अंग्रेजी सीख गया है नौकरी मिल गई है, विदेशों में उड़ रहा है, वो सब पूरा बोर्ड ऐसे टर्न मार दीजिए उसका। तो और... नीचे आ जाएगा। एग्जांपल मैं दूंगा दो मिनट। हाँ, दो मिनट का। अंग्रेजी का क्या होता ना, हमने सरस्वती सुमंदिर में पढ़ा छठवीं तक, आठवीं हमने जनता इंटर कॉलेज, हर जिले में है गवर्नमेंट कॉलेज जनता इंटर कॉलेज, इंटर हमने कृषि इंडस्ट्रियल कॉलेज से किया, ग्रेजुएशन हमने टीडी कॉलेज जौनपुर से किया, और एमबीए हमने नहीं ज़्यादा नहीं, ठीक है। हम लोग जब मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे जानते क्या था, हमने फॉर्म भरा था, हिंदी हमारी स्ट्रांग थी, हिंदी हमारी मजबूत थी, हमने सोचा कि हम फॉर्म भरेंगे पत्रकारिता का, और पत्रकारिता का कोर्स करके बढ़िया पत्रकार बनेंगे, क्योंकि इंस्पायर थे उस टाइम हम मीडिया से, और समसामयिक इंडिया ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर के तौर पर बनारस में काम कर रहे थे। भरे पेपर, जब आप एमबीए का पेपर भरते हैं तो उसमें सिलेबस में क्या होता है कि जब आप भरते तो उसमें दो कैटेगरी होती है, एक मेजर होता है एक माइनर होता है। हमने मेजर भरा पत्रकारिता का और माइनर भरा एचआरडी मानव संसाधन विकास विभाग का, उस टाइम मुरली मनोहर जोशी जी मानव संसाधन विकास विभाग हुआ करते थे मिनिस्टर,